हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अलाइड के क्वेश्चन पेपर का फाइनल पार्ट। अलाइड का जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका फाइनल पार्ट हम आज करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द माइनर डॉटर ऑफ द केशव चंद्रा सेन वॉज Married to a 16-year-old Maharaja of which place? Which of the following is matched wrongly? ऐसे ये है the report of Sadler Commission. अगला सवाल है, of the following who was not the number of गुरुकुल पार्टी ऑफ द आर्य समाज गुरुकुल पार्टी जो है इसके सदस्य कौन नहीं थे? इसके सदस्य नहीं थे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। Who started the Ahmadiyya movement? Ahmadiyya movement किसने शुरू किया? ये शुरू किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। Which of the following is correct about the work नील दर्पण? जो किताब नील दर्पण है इसके बारे में कौन सा कथन सही है? इसके बारे में सही है A play in Bengali. Of the following leaders of the revolt of 1857, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, who is not matched currently with the region? कौन सा आंसर है जो इसके साथ मैच नहीं करता है? इसके साथ मैच नहीं करता है खान बहादुर खान मेवाट, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है, When was the income tax imposed by the colonial government in India? Colonial government के द्वारा भारत में income tax कब लगाया गया? इसका जवाब है 1860 में। अगला है, On the following, who was not a member of Hindu Mahasabha? नीचे दिए गए जवाबों में से कौन सा मेंबर नहीं है हिंदू महासभा का? हिंदू महासभा के मेंबर नहीं थे मोतीलाल नेहरू। अगला सवाल है, Who moved the main resolution on non-cooperation movement in the annual session of the Indian National Congress at Nagpur in 1920 में? नागपुर में ये movement किसने चलाया था? ये चलाया था C.R. दास ने। When was the second civil disobedience movement launched by the International Congress? International Congress के द्वारा disobedience movement जो है civil disobedience movement जो है वो कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 1932 में। Which session of the Congress has presided over by गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गांधी जी ने अध्यक्षता की थी बेलगाम आंदोलन की। इन विच सत्याग्रह गांधी जी यूज द लास्ट वेपन ऑफ द हंगर स्ट्राइक, जो भूख हड़ताल है वो कौन से सत्याग्रह में गांधी जी ने कौन से सत्याग्रह में इसको हथियार बनाया था? ये बनाया था अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक में। अगला सवाल है, Where was the first Indian civil service examination held in India? पहली जो Indian civil service examination हुई थी वो इंडिया में कहां पर हुई थी? इसका जवाब है अलाहाबाद में। Which name did Gandhi ji give to his scheme of education? उनकी जो स्कीम थी गांधी जी की एजुकेशन पर उसको गांधी जी ने क्या नाम दिया था? इसे नाम दिया था वर्धा स्कीम। अगला सवाल है, From where did Gandhi ji come across the three principles of the ideology? Gandhi ji अपनी विचारधारा के तीन सिद्धांतों को किसके संपर्क में आने से लिया? इसको उन्होंने लिया John Ruskin's Unto This Last। गांधी जी सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन, गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो बेस्ड ऑन था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पर। अगला सवाल है, ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कौन मेंबर नहीं था? इसके मेंबर नहीं थे करतार सिंह सरभा जो थे, करतार सिंह सरभा इसके
मेंबर नहीं थे. वेयर डिड नॉट कम टू पावर द पैरेलल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मोमेंट. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर समानांतर सरकारें सत्ता में नहीं आई? ये नहीं आई सूरत में. अगला सवाल है, एटली द ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर मेड अ स्टेटमेंट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट द ट्रांसफर ऑफ द पावर ऑफ इंडिया वुड टेक प्लेस ऑन. कब प्लेस करेगा ये उन्होंने बयान दिया था, June 30, 1948. अरेंज द फॉलोइंग वाइस रॉयज ऑफ द इंडिया इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इसका सही जवाब है सी. अगला सवाल है, चूज द राइट ऑर्डर फ्रॉम द हाइएस्ट टू द लोएस्ट इन टर्म ऑफ द इरिगेशन कवरेज. इसका सही जवाब है पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार. एज पर आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2012, विच स्टेट हैज द लीस्ट पॉवर्टी. सबसे कम लीस्ट पॉवर्टी कौन से स्टेट की थी? इसका जवाब है गोवा. अगला सवाल है, एज पर द बजट प्रपोजल 2016-17, डिपार्टमेंट ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट इज टू बी रीनेम्ड एज. ये है DIPAM, दीपम. इसका जवाब है दीपम. ट्रीस एंड ट्रीम्स आर रिलेटेड टू. ट्रीस और ट्रीम्स जो है ये रिलेटेड है GATT से. अगला सवाल है, एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विस थ्रू द टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया इज वेल डिफाइंड बाय DBT JAM. इसका जवाब है DBT JAM. एज पर सेंसस 2011, हाईएस्ट अर्बन एंड हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया इज रिस्पेक्टिवली इन द स्टेट्स ऑफ. कौन से स्टेट में है? ये है महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश. अगला सवाल है, हु एमंग द फॉलोइंग डिड नॉट एस्टिमेट द इंसिडेंस ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया. इसका जवाब है राजकृष्णा. अगला है, अंत्योदय डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. अंत्योदय जो डे है वो कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 25th of September को ये सेलिब्रेट किया जाता है. विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द भारत निर्माण आउट ऑफ द फॉलोइंग. नीचे दिए गए में से कौन सा भारत निर्माण का कंपोनेंट नहीं है? इसका कंपोनेंट नहीं है सैनिटेशन. अगला सवाल है, हृदय स्कीम इज लॉन्च्ड बाय. हृदय स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, वो लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ऑन 26th of January 2015. अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की स्टेटमेंट के हिसाब से इनकरेक्ट कौन सी है? ये इनकरेक्ट है, इट डिफाइंस स्टेट एज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, सेक्टेरियन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक. ये इसका आंसर है. अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटेड इन द राइट टू फ्रीडम एज एनरिश्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसका आंसर है फ्रीडम टू प्रोटेस्ट. अगला सवाल है, बाय विच constitutional amendment the right of the property was abolished from the chapter of fundamental rights. Iska jawab hai 44th constitutional amendment. Match the following and choose the correct answer from the given codes mein se sabse jo sahi answer hai wo kaun sa hai. Iska sahi answer hai B. अगला सवाल है, हु एमंग द फॉलोइंग आर नॉट द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इलेक्टिव मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव
काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसका आंसर है डी. Which of the following is incorrect statement with regard to the Vice President of India? Iska answer hai, he can be removed from his office by impeachment. The Rajya Sabha can delay the passage of the money bill for the maximum period of. Sabse money bill jo hai usko Rajya Sabha itne samay tak rok sakti hai. Adhik se adhik isko rok sakte hain 2 hafton tak. Agla sawal hai, which of the following is the correct chronological order of the following order of the offices held by the speaker of Lok Sabha? Iska sahi jawab hai A. Agla sawal hai, which of the following is the biggest committee of the Lok Sabha? Lok Sabha ki sabse badi committee kaun si hai? Iska answer hai Estimate committee सबसे बड़ी कमेटी है. Which one of the following is the incorrect statement with regard to the right to freedom of religion? इसका जवाब है डी. अगला सवाल है, the voting age of India was reduced from 21 year to 18 year by which constitutional amendment? कौन से constitutional amendment में 21 साल से वोट देने की जो उम्र है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी, ये की गई 61st constitutional amendment में. अगला सवाल है, which of the following is the recent addition of the electronic voting machine EVM by the Election Commission of India? इसका सही जवाब है NOTA. अगला सवाल है, which of the following is not the classified category of the parties according to the Election Commission of India? इसका सही जवाब है regional parties. अगला सवाल है, what is the full name of PIL? PIL का पूरा नाम क्या है? PIL का पूरा नाम है Public Interest Litigations. अगला सवाल है, which one of the following is not the subject of the concurrent list? Concurrent list का subject क्या नहीं है? Concurrent list का subject नहीं है agriculture. Which one of the following state does not have a bicameral legislature? Bicameral legislature कौन से state में नहीं है? ये नहीं है हिमाचल प्रदेश में. अगला सवाल है, match the following and choose the correct answer for the given codes. ये जो नीचे दिए गए codes है इनमें से right answer चुनना है यहाँ पर. इसका सही जवाब है A. अगला सवाल है, Right to education is included under which article of the constitution? कौन से article के तहत right to education आता है? Right to education आता है article 21A के तहत. अगला सवाल है, what is the new name of the planning commission? Planning commission का नया नाम क्या है? Planning commission का नया नाम है नीति आयोग. Match the partial parties with their election symbols and choose the correct answer of the following given codes. इसका सही जवाब है B. Which one of the following is not the tributary of the river Godavari? Godavari की tributary कौन सी नदी नहीं है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है दूध गंगा. अगला सवाल है, which of the following states of India has no podzolic soils? Podzolic soils इंडिया की कौन सी स्टेट में नहीं है? ये नहीं है उड़ीसा में. अगला है, वेस्टर्न राजस्थान इज आइडियल प्लेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डैश एनर्जी. वेस्टर्न जो राजस्थान है वो किस एनर्जी डेवलपमेंट के लिए सुटेबल स्थान है? ये है सोलर एनर्जी के लिए. अगला सवाल है, विच ग्रुप ऑफ द सिटीज हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द प्रपोज्ड 100 स्मार्ट सिटी इन द इंडिया? इसका सही जवाब है हावड़ा, बर्दवा, सिलीगुड़ी. अगला सवाल है, एज पर सेंसस 2011 सॉरी एज पर
2001 census, million cities in India is, million cities in India थी 35. इसका सही जवाब है 35. Which one of the following was famous for? कौन सी वैली वो है जो जूट इंडस्ट्री के लिए फेमस है, जूट इंडस्ट्री के लिए फेमस है? हुगली वैली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीसेंट यूएन फ्रेमवर्क ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट? इसका सही जवाब है सेंडाई फ्रेमवर्क. ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज द इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट इन इंडिया? इसका सही जवाब है इंक्रीज इन द क्रूड डेथ रेट, इंक्रीज इन द क्रूड डेथ रेट. अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? इंडिया में कहां पर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है? ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. अगला सवाल है, द परसेंटेज ऑफ द टोटल अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इज? इसका जवाब है 31.16%. वाराणसी सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वाराणसी सिटी एग्जाम्पल है कल्चरल सिटी का. ड्रॉट प्रोन एरिया इज ब्रॉडली लोकेटेड बिटवीन, ड्रॉट प्रोन जो एरिया है सूखा प्रभावित क्षेत्र, वो कहां, कौन से दो इलाकों के बीच है? वो है महाराष्ट्र टू पंजाब. Flood occurred due to the erratic behavior of monsoon से flood आता है. Which one of the following state is found in the seismic zone 5? Seismic zone 5 में कौन सी states आती है? Seismic zone 5 में आती है बिहार. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पासिंग थ्रू इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पासिंग थ्रू इंडिया? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, या ऑल नन अबव द इंडिया से होकर एक ही रेखा जाती है, वो जाती है कर्क रेखा. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज शिपकिला पास, शिपकिला पास कहाँ पर है? शिपकिला पास है हिमाचल प्रदेश में. अगला सवाल है, विच स्पीसीज ऑफ द ट्री इज मोर वल्नरेबल फॉर द फॉरेस्ट फायर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टर्पेंटाइन ऑयल इन द लीव्स? पत्तियों में टर्पेंटाइन ऑयल होने की वजह से कौन सी जो ट्री है वो वल्नरेबल है जंगलों के लिए? इसका जवाब है पाइन्स. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द अर्थक्वेक वेव? अर्थक्वेक वेव के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? इसके बारे में सही नहीं है लॉन्गिट्यूडनल एंड सेकेंडरी ट्रांसवर्स वेव आर मोर डिस्ट्रक्टिव वेव देन द रेलाइट वेव. अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज? कौन सा इफेक्ट ऐसा है जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट नहीं है? इसका जवाब है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट नहीं है. विच कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया आर मोर वल्नरेबल फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन? ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से स्टेट के तटीय इलाके होते हैं? इसका आंसर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्टल एरियाज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों. आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें चैनल को, जो बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करें.